बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। मंडी के पटल मैदान में सोमवार को आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस जवानों के परिजनों द्वारा पे बैंड के मुद्दे पर विरोध दर्ज करवाने पर तल्ख टिप्पणी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार से बार बार विरोध जताने की बात को सरकार अब गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री की रैली में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसे किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी बातों को लेकर के अब हम बिल्कुल गंभीरता से इन सारी चीजों को लेंगे। अगर कोई इस प्रकार की कोई भी बात करने की जरूरत करेगा तो मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं होगा। और खासतौर से हमेशा ही इस बात को लेकर के उनकी बातों को सुना है। उनकी बातों को सुनने के बाद हमने कहा कि इसका समाधान निकालेंगे और वो हमारे प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं और कर्मचारी के नाते हम उनके प्रति उनकी भावनाओं का सम्मान भी करते हैं और उनकी मांगों को भी हमने अध्ययन किया है और उसके बाद कोई रास्ता उसके लिए तलाश रहे हैं। लेकिन अगर सब लोग इस प्रकार से सोचेंगे तो मुझे लगता है कि उचित नहीं। और ख़ास तौर से पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो एक डिसिप्लिन फोर्स है और मुझे लगता है अगर उसके अंदर कोई इस प्रकार की चीज़ों को करने की कोशिश करे तो वो उचित नहीं। कि मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के बहुत चिंतित होने की आवश्यकता थी। जो एक केस आया था वो अपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वो कोविड नेगेटिव आ चुके हैं और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो लोग थे, जो अब 3-4 लोग, उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। तो ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत हमेशा रहेगी। देखिए, बारिश की ज़रूरत भी है और इस प्रकार की बारिश की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत हम भी महसूस करते थे क्योंकि धूल काफ़ी ज़्यादा हो गई थी यहाँ मैदान में। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि कल का मौसम बिल्कुल साफ बताया गया और हमने देवी देवताओं से भी प्रार्थना की है और विशेष तौर से कमरूनाग जी से भी प्रार्थना की है कि कल का मौसम साफ रहे ताकि हमारा ये कार्यक्रम बहुत उत्साह के साथ सफल हो सके। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। डॉक्टर केडी आईज हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।